ये कहानी 15 साल के लड़के के ऊपर आधारित है जो अपनी मॉम की बेस्ट फ्रेंड और उनकी बेटी दोनों का ही चुदाई कर देता है और आगे उनके साथ क्या क्या करता है जानेंगे इस एक्सप्लेनेशन में। उससे पहले आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मूवी के स्टार्टिंग में हम गांव नांग के लड़के को देखते हैं जो एक लड़की का पेंडिंग बना रहा होता है और बाद में उसका ठुकाई भी करता है और उसी बीच जुआंग का जल्दी पास हो जाता है जिस वजह से वो लड़की उसे नाराज हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वांग का उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो वांग से इसीलिए ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि इंटीमेट होते वक्त उसका जल्दी पास हो जाता है। तभी वांग उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए मैं तुम्हारा हमेशा ही इंतजार करूंगा और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम अगले सीन में वांग की मॉम को देखते हैं जिन्हें उन्हें एक कल की वजह से पता चलता है कि उनके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। इसीलिए वांग की मॉम वहां जाने के लिए पैकिंग वगैरह कर रही है। उसके बाद वांग वहां पर आता है और उसके मॉम उसे सब कुछ बताने के बाद वो उन्हें कहता है कि वो भी उनके साथ जा रहा है जिसे सुनने के बाद वांग वहां जाने के लिए मना करता है क्योंकि उसके एग्जाम जल्द ही होने वाला है इसीलिए वो पढ़ाई को छोड़कर बीच में नहीं जा सकता था। उसके बाद वांग की मॉम उसके बेस्ट फ्रेंड सुयंग के बारे में बताती और वो वांग से कहते कि जब तक मैं वहां से नहीं आता तो मेरे बेस्ट फ्रेंड सुयंग के घर पर ही रहना। उसके बाद वांग की मॉम उसे एक एड्रेस देकर जाकर सुयंग से मिलने के लिए कहती है। उसके बाद वांग सुयंग के घर पर मिलने के लिए जाता है जहाँ देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है और वो घर के अंदर चला जाता है और वो वहां देखता है सुयंग बिना कपड़ों के शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को प्रेशर दे रही होती है। अब यह देखकर वांग को रहा नहीं जाता और वो थोड़ी देर वहीं पर अपनी आंखें सेक लेता है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो वो सोचता है कि शायद वो गलती से दूसरे घर पर आ गया है। उसके बाद वांग सब कुछ भूलकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए जाता है और वो वहां पहुंचकर देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के साथ इंटीमेट हो रही है। अब यह देखकर वांग बहुत दुखी होकर वहां से अपने घर चला आता है जहां उसकी मॉम उसे पूछती है कि क्या वो सुयंग के घर पर गया है कि नहीं। यहां पर वांग झूठ बोलता है और वो कहता है कि वो सुयंग के घर पर गया था लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। इतना कहने के बाद वांग अपने मॉम से कहता है कि वो इस घर पर अकेला ही रहेगा लेकिन उसके मॉम का मानना था कि यांग इतना बड़ा नहीं है कि वो खुद का इस घर का ख्याल रख सके इसीलिए वो वांग से कहती है कि अगर वो सुयंग के घर पर नहीं रहना चाहता है तो वो कल उसके साथ चलना होगा। अब इस बात पर वांग को सुयंग के घर पर रहने के लिए राजी होना ही पड़ता है। उसके बाद हम सुयंग को वांग के घर पर देखते हैं जो वांग को लेने के लिए आई होती है। उसके बाद वांग सुयंग के घर पर पहुंच जाता है। उसके बाद वांग को सुयंग के घर पर पहुंचकर पता चलता है कि वो उसकी बेटी लियोन के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा जिसे सुनकर वांग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तभी स्वयं उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी बेटी लियोन बहुत ही बिंदास टाइप का लड़की है जिस पर तुम्हें उसके साथ रूम शेयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हालांकि वो अभी स्कूल गई है और वो आने पर एक पार्टी में जाएगी और घर पहुंचते हुए उसे रात हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यंग स्वयं की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था जहां वो स्वयं को खाना बनाते वक्त वो अच्छी तरीके से उसे घूर रहा था। उसके बाद यंग जब रात को सो रहा होता है तभी वहां पर लियोन आकर उसके बगल में ही सो जाती है क्योंकि वो नशे में ही थी इसीलिए उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही थी। उसके बाद यंग जब उठकर देखता है तो लियोन काफी छोटी कपड़े पहनी हुई थी इसीलिए उसे लियोन उसके पास सोना उसे अच्छा नहीं लगता था और वो जाकर ड्राइंग रूम में सो जाता है। अगली सुबह सुयंग उसे जगाती है और उसे यहाँ सोने का कारण पूछती है और वांग सब कुछ बताने के बाद सुयंग उसे कहती कि ये सब वो चिंता ना करे। वो पहले कह चुकी थी कि लियोन काफी बिंदास टाइप का लड़की है जिसे उसे उन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ देर बाद सुयंग लियोन और वांग को एक साथ नाश्ता करते हुए देखते हैं। इस दौरान लियोन सुयंग को कहते कि वो शायद वांग को पहले कहीं देखा है जिसका जवाब देते हुए वांग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो पढ़ाई करने के बाद घर से कहीं निकलता ही नहीं है। उसके बाद हम यंग को पढ़ाई करते हुए देखते हैं जहां पर लियोन एक्सरसाइज करने के बहाने जानबूझकर पोजेस दे रहा होता है लेकिन यंग उसे ज्यादा ध्यान नहीं देता और रात को लियोन यंग को बताते है कि हाल ही वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है और वो इन सभी बातें करते हुए वांग को सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन वांग उसे दूर हटकर जाकर वो जमीन पर ही सो जाता है। उसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाई जाता है जहाँ वांग स्वयं के रूम में जाकर उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है और वो उसके साथ पलंग तोड़ खपा खप करने के बाद हमें पता चलता है कि वांग एक सपना देख रहा था और वांग नींद से जागने के बाद उसे पता चलता है कि लियोंग उसके साथ जमीन पर चिपक कर सो रहा था। ये देखकर वो वहां से उठकर नीचे चला जाता है और अब सुबह हो चुकी थी इसीलिए वो अपने लिए कॉफी बनाता है। तभी उसे वहां स्वयं का फोन दिखाई देता है जिस पर वांग की डैड का जवानी का फोटो दी हुई थी और उनकी शक्ल हूबहू यंग से मिलती जुलती थी। हालांकि वो अमेरिका में अभी जॉब कर रहे थे और शायद लियोन ने स्वयं के फोन पर उस फोटो को देखी थी इसीलिए उसे लग रहा था कि वो वांग को कहीं ना कहीं देखा है और यंग को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उसके डैड का अफेयर स्वयं के साथ चल रहा है लेकिन फिर भी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद हम यंग को बाथरूम में नहाते हुए देखते हैं जहाँ लियोंग जानबूझकर ब्रश करने के बाद यंग के बाथरूम में घुस जाता है और वांग जब उसे बाहर जाने के लिए कहता था तभी लियोंग उसके साथ इंटीमेट होने के लिए शेड्यूल करता है लेकिन इस बार भी वांग किसी तरह से खुद को कंट्रोल करके वहां से बाहर आ जाता है और उसके पीछे लियोंग भी बाथरूम से निकल
निकलती है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके कहती है, पता है कि वो इतना खूबसूरत नहीं है इसीलिए वो उसे इग्नोर कर रहा है। अब इतना इमोशनल सुनने के बाद वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वही उसे दबा कर पहनने लगता है और उन लोगों का पहलन कार्यक्रम स्वयं देख लेती है, लेकिन उन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इन सब के बाद वांग का नजर बाहर रखे हुए स्केच के ऊपर पड़ती है जो वांग का डैड का होता है और उसे देखकर वांग समझ जाता है कि उसके डैड और स्वयं के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। उसके बाद फिर हम इन तीनों को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ लियांग वांग के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करती है मगर वांग के दिमाग में तो उसके डैड और स्वयं के बारे में बातें चल रही थी, इसीलिए वो उसे ध्यान नहीं देता और वो इस हरकतों से नाराज होकर वो अपने रूम में चली जाती है और उसके जाते ही वांग को रहा नहीं जाता और वो स्वयं और उसके डैड के रिलेशनशिप के बारे में स्वयं को पूछती है, जिस पर स्वयं उसे कहती है कुछ साल पहले उन दोनों का रिलेशन चल रहा था लेकिन अब उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सुनने के बाद स्वयं उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी कि वांग का मॉम के साथ धोखा किया। वांग अपना सामान पैक करने लगता है और वो साथ ही ये बताता है कि वो ये सब बातें अपने मॉम को बताएगा। उसके ये बातें सुनकर स्वयं उसके आगे हाथ जोड़ती है और वो उसे कहती है कि वो ऐसा ना करे और वो उसके बदले वांग के लिए कुछ भी कर सकता है। अब वांग इस मौके का फायदा उठाकर स्वयं से पूछती है कि वो इंटीमेट होते वक्त ज्यादा टाइम तक कैसे टिके क्योंकि उसके कारण उसके गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप किया था। अब स्वयं भी वांग की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद हम वांग को स्वयं के साथ पलंग तोड़ गपागप करते हुए देखते हैं और हर रोज ऐसा गपागप करते करते स्वयं वांग को लंबे समय तक टिकना सिखा देता है जिसके वजह से वांग में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके बाद वो जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और वो उसे किसी तरह समझा कर उसके साथ पलंग तोड़ गपागप कर लेता है और वो लड़की सेटिस्फाई होने के बाद इन दोनों के बीच रिश्ता काफी अच्छा चलता है। और ऐसा कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन स्वयं वांग और लियांग एक साथ टीवी देख रहे होते हैं, तभी वांग की मॉम का कॉल आता है और वो उन्हें कहते हैं कि मैं कल वापस आ रहा हूँ। इस बात को जानकर स्वयं को वांग से अलग होने का काफी दुख होता है, इसीलिए वो ये दोनों एक साथ आखिरी बार सेटिस्फाई पलंग तोड़ घपाघप करने की कोशिश करते हैं। वही उसी रात स्वयं वांग के डैड की पेंटिंग को जला देती है, इसका मतलब वो अब उससे पूरी तरह से अपने दिल से निकाल दिया है। और अगली सुबह वांग की मॉम स्वयं से थैंक यू बोलकर उसे अलविदा लेकर वांग से साथ अपने घर चली आती है। उसी दौरान वांग सोचता है कि उसे कुछ बीते हुए दिन उसके सपने की तरह होता है जो उसे कभी भुला नहीं पाएगा, जिसके बारे में वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब लोगों को मेरा एक्सप्लेन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।